आई पंकज पात्रा, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन लेकर आया वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं या वर्किंग कर रहे हैं, किसी ऑफिस में जॉब कर रहे हैं और उनके पास डाक को हैंडल करने का काम है, यानी डाक को संभालने का जिम्मा है। तो डाक को कैसे संभालते हैं, प्रोफेशनली आप डाक को कैसे संभाल सकते हैं, बड़ी संस्था है, डाक आती भी है जाती भी है, आने वाली डाक को कैसे संभालना है, जाने वाली डाक को कैसे संभालना है, उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं, वो सारी चीजें आज आपको आज वाले इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आपने वीडियो एंड तक देखना है। तो मैं दो चीजें बताऊंगा आपको, एक तो इनवर्ड मेल हैंडलिंग प्रोसेस प्रोसीजर क्या है और आउटवर्ड मेल हैंडलिंग का प्रोसीजर क्या है। तो पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इनवर्ड जो मेल हैंडलिंग है वो हम सबसे पहले आपको कुछ स्टेप बताए जाएंगे कि किस तरह से आप उसको हैंडल कर सकते हैं। सबसे पहले डाक रिसीव की जाती है, रिसीव कहाँ से होती है ये सारा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और डाक रिसीव करने के बाद उसको छांटा जाता है, छांटते समय किन किन बातों को ध्यान में रखा जाता है वो भी आज वाले इस वीडियो में आपको बताई जाएगी। फिर उसके बाद छांटने के बाद हम उसको ओपन करते हैं। डाक ओपन करने का भी एक प्रोसीजर होता है, एक तरीका होता है किस तरह से डाक को ओपन किया जाता है। और एग्जामिनिंग कंटेंट, उसके बाद फिर जो उसके अंदर कंटेंट लिखा है उसको हम पढ़ेंगे कि ये किस मैटर से रिलेटेड डाक है। और उसके बाद फिर रिकॉर्ड रखा जाएगा, जो डाक आती है उस सारी डाक का मेल का एक रिकॉर्ड रखा जाता है। रिकॉर्ड के लिए वो रजिस्टर कैसे बनाना है, इनवर्ड मेल रजिस्टर बोलते हैं, वो रजिस्टर तैयार कैसे होता है, वो सब कुछ आज वाले वीडियो में आपको मिलेगा। और अगर आपको एग्जाम देना है, स्किल एजुकेशन है आपके पास, या आप ग्रेजुएशन लेवल पर ये कोर्स कर रहे हैं, या आपको आईटीआई में किस कहीं भी मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस है, ऑफिस प्रोसीजर, तो उसमें ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आते हैं, फाइनल एग्जाम में आते हैं, मिडिल एग्जाम में आते हैं, मिड टर्म में आते हैं, और वो आपको पता लग जाएगा कि डाक का रिकॉर्ड रखने के लिए किस तरह से रजिस्टर बनाया जाता है, उसमें क्या क्या कॉलम्स वगैरह होते हैं, ये सारी बातें मैं आपको इंग्लिश में, इजी इंग्लिश में बताऊंगा और उसको एक्सप्लेन करूंगा हिंदी में ताकि सभी को समझ में आ जाए। तो ये था इनवर्ड मेल रजिस्टर या इनवर्ड डाक का प्रोसेस। इसी तरह आउटवर्ड डाक, संस्था में डाक आती है और जाती भी है, तो जाने वाली डाक कैसे जाएगी, उसका क्या प्रोसीजर है। सबसे पहले हम डाक तैयार करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ मेल कैसे तैयार करते हैं वो बताया जाएगा। और उसके बाद डाक कलेक्शन, विभिन्न डिपार्टमेंट से संस्था के वो डाक कलेक्ट की जाती है, भेजने से पहले प्रोडक्शन ऑफ मेल कैसे होगा, कलेक्शन ऑफ मेल कैसे होगा, फिर रिकॉर्डिंग, हर जाने वाली डाक का रिकॉर्ड रखा जाता है, जैसे आने वाली डाक का रिकॉर्ड रखा जाता है, तो जाने वाली डाक का आउटवर्ड मेल रजिस्टर कैसे बनाएंगे, उसमें क्या क्या कॉलम होते हैं। और इसी तरह एक पीएन बुक होती है, पीएन बुक में कौन सी डाक का रिकॉर्ड रखा जाएगा, आउटवर्ड मेल रजिस्टर में, तो सब कुछ आपको एक एक करके एक्सप्लेन किया जाएगा। और बहुत अच्छी प्रोफेशनल आप किस तरह से डाक को तैयार करेंगे, उसको रखेंगे, उसका रिकॉर्ड रखेंगे और कैसे उसको रवाना करना है, एंड तक का सारा प्रोसीजर आपको बताया जाएगा। और लिफाफों पर एड्रेस कैसे लिखा जाता है ये भी इंपॉर्टेंट है कि लिफाफों पर पता कैसे लिखा जाता है, ताकि आप प्रोफेशनल हो हैं और पता लिखना अगर आपको नहीं आता तो वो भी आज वाले वीडियो में आपको सिखाया जाएगा। इसी के साथ आपको लेटर्स को फोल्ड करना सिखाया जाएगा, कैसे एनवेलप में इंसर्ट करते हैं, फोल्ड कैसे करते हैं, कैसे उसकी तह बनाई जाती है, पिक्चर द्वारा आपको समझाया जाएगा कि लेटर की तह, यानी विंडो एनवेलप में आपको लेटर भेजना है तो उसको किस तरह से आप तह कर कर लिफाफे के अंदर रखेंगे। इसी तरह मैं आज आपको बताऊंगा कि सीलिंग, एनवेलप को सील कैसे किया जाए, यानी उसको लिफाफों को बंद करना, ये सारा प्रोसीजर एक छोटी छोटी बातें आपको बताई जाएंगी ताकि आपको कहीं भी जॉब करने में कोई प्रॉब्लम ना आए और आप प्रोफेशनल हो जाए। आप चाहे अपना काम करें या जॉब करें तो आपको ये सब बातें पता होनी चाहिए। और डाक के लिफाफों पर टिकट लगाने का भी एक तरीका होता है, टिकट कैसे लगाई जाती है, कितने पैसे की लगेगी, वो सब बताया जाएगा। और इसी के साथ डाक रवाना करें। इसके साथ एक चीज मैं और आपको बताऊंगा आज वाले वीडियो में कि आप जब डाक, जाने वाले डाक पर एड्रेस लिखते हैं तो उसमें एक पिन कोड नंबर होता है, डाक विभाग में पिन कोड नंबर दिए हुए हैं, हर क्षेत्र, हर इलाके का, एरिया का अलग पिन कोड होता है। ये पिन कोड होता क्या है और इसके बारे में सारा जो
डिटेल है, जो एग्जाम में प्रश्न आएगा उसको कैसे आपने सॉल्व करना है हिंदी में इंग्लिश में, वो सब आज वाले वीडियो में आपको मिलेगा। तो उम्मीद है आप वीडियो एंड तक देखेंगे और ये बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट्स के लिए। तो शुरू करते हैं आज का जो मेन टॉपिक है, इनवर्ड मेल आउटवर्ड मेल प्रोसीजर। टूडेज टॉपिक इज हैंडलिंग इनवर्ड एंड आउटवर्ड मेल। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे आने वाली डाक और जाने वाली डाक को कैसे हैंडल करते हैं, उसका पूरा प्रोसीजर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ हैंडलिंग इनकमिंग मेल और पेपर या फिजिकल मेल जिसे कहते हैं, उसको कैसे हम हैंडल करते हैं। हैंडलिंग ऑफ इनकमिंग मेल, आपको इस सारे वीडियो में टेक्स्ट जो है इंग्लिश में हिंदी में दोनों मीडियम में मिलेगा। अगर आप हिंदी वाला वर्जन लाइक करते हैं तो आप हिंदी वाला वर्जन भी देख सकते हैं और इंग्लिश वाला भी, और मैं आपको एक्सप्लेन तो कर ही रहा हूँ। हैंडलिंग ऑफ इनकमिंग मेल मीन्स इफेक्टिव एंड एफिशिएंट हैंडलिंग ऑफ ऑल इनकमिंग एंड आउटगोइंग फिजिकल मेल रिफ्लेक्स एफिशिएंसी ऑफ ए सेक्रेटरी। आप सेक्रेटरी की पोस्ट पर हैं और आपको अच्छे से मेल हैंडल करनी है आने वाली और जाने वाली, तो यही आपकी कुशलता को दर्शाता है। पोस्ट ऑफिस, स्पेशल मैसेंजर एंड कोरियर कंपनीज हेल्प इन फिजिकल डिलीवरी ऑफ मेल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए डाक जो है पोस्ट ऑफिस से भिजवाई जा सकती है, या स्पेशल मैसेंजर किसी कर्मचारी के द्वारा कोरियर कंपनी से डाक भिजवा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड्स वेरियस फैसिलिटीज रिगार्डिंग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कैरिज ऑफ मेल। पोस्ट ऑफिस जो है घरेलू डाक और अंतर्राष्ट्रीय डाक दोनों को ले जाते हैं। लोकल मेल ऑफ अर्जेंट नेचर मे बी सेंट विद द हेल्प ऑफ स्पेशल मैसेंजर। अगर कोई स्थानीय डाक है तो आप स्पेशल मैसेंजर की हेल्प से भिजवा सकते हैं। तो आप अगर इसको इजीली रीड कर रहे हैं, मैं आपको हिंदी में समझा भी रहा हूँ और आपके लिए बहुत आसान हो जाता है इस वीडियो को देखना समझना डाक को। Sending mail by this mode ensure quick delivery of mail along with its acknowledgement. यानी जब हम डाक स्थानीय होती है अपने कर्मचारी के थ्रू स्पेशल मैसेंजर के थ्रू भिजवा दें तो उसकी डिलीवरी एक तो जल्दी हो जाती है, दूसरा उसकी स्पुर्दगी की एक्नॉलेजमेंट भी हमें मिल जाती है। अगर एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन का हम शॉर्ट बना सकते हैं, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन को लॉन्ग करना थोड़ा सा टफ वर्क है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में 5 मार्क का 4 मार्क का अगर क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह से आंसर देंगे। इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन देयर आर डिफाइंड स्टेप्स फॉर फिजिकल हैंडलिंग ऑफ इनवर्ड मेल। आने वाली डाक को संभालने के लिए हर ऑफिस में जो है पहले से ही निर्धारित कुछ स्टेप्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। दैट द मेल कुड रीच द कंसर्न्ड ऑफिशियल विदाउट डिले, ताकि डाक संबंधित अधिकारी तक बिना किसी देरी के पहुंच जाए। दिस स्टेप्स वेरी डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और ये स्टेप्स जो हैं डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं कि संस्था बड़ी है या छोटी। द फॉलोइंग प्रोसीजर इज यूजुअली फॉलोड इन हैंडलिंग ऑफ इनकमिंग मेल। मुख्यतः निम्नलिखित जो हैं कार्रवाई जो स्टेप्स होते हैं वो पेपर डाक को संभालने के लिए किए जाते हैं। पहला है रिसीविंग मेल, यानी डाक प्राप्त करना। अब डाक कहाँ से प्राप्त होती है? दूसरे ऑफिस से हमारे यहाँ डाक आती है। एक तो जैसा हमने बताया स्पेशल मैसेंजर से आती है, पोस्टमैन से आती है, कोरियर कंपनीज भी डाक को दे जाती हैं, और कुछ डाक जो है ईमेल से भी आ जाती है आजकल। ए जूनियर सेक्रेटरी और मेलिंग क्लर्क इज एंट्रस्टेड विद द टास्क ऑफ रिसीविंग द मेल। इसके लिए एक जूनियर क्लर्क को लगाया जाता है जो डाक को रिसीव करते हैं एंड प्रोवाइडिंग एक्नॉलेजमेंट ऑफ द रिसिप्ट, और वो हस्ताक्षर करके एक्नॉलेजमेंट अभी स्वीकृति प्रदान करते हैं।
वेयर एवर नेसेसरी, जहाँ कहीं ज़रूरत होती है जो रजिस्ट्री पत्र आते हैं उनके लिए साइन करके ही उनकी अभिस्वीकृति उनको प्राप्त किया जाता है। इन केस द मेल इज़ टू बी रिसीव्ड फ्रॉम पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग, अगर आपके यहाँ डाक पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग नंबर है तो वहाँ से भी डाक आ सकती है। तो आपके पास कई सारे तरीके हो गए, तो पोस्टमैन डाक दे जाता है, दूसरा स्पेशल मैसेंजर दे जाते हैं, तीसरा कोरियर कंपनी से आती है, और कुछ डाक पोस्ट बॉक्स या पोस्ट बैग से भी आती है। क्लियर हो गया डाक कहाँ से आती है। अब नेक्स्ट सॉर्टिंग ऑफ मेल, ये आपके सामने इमेज भी है किस तरह से डाक छांटी जाती है। तो सॉर्टिंग ऑफ मेल मीन छटाई, डाक की छटाई कैसे होती है। आफ्टर रिसीविंग द मेल इट इज़ नेसेसरी टू सॉर्ट, जब आपके पास बहुत सारी डाक आ जाएगी तो उसको आप छांटेंगे। सॉर्ट द रिसीव्ड मेल सो दैट मेल मेल मार्क्ड एज प्राइवेट, कुछ डाक ऐसी होती है जिस पर प्राइवेट लिखा होता है, यानी निजी डाक, पर्सनल लिखा हो सकता है, सीक्रेट, गोपनीय, कॉन्फिडेंशियल, इस तरह की डाक वो आपने छांटनी है कि ये डाक किस प्रकार की है। आर नॉट ओपन, और ऐसी डाक को खोला नहीं जाता। दिस टाइप ऑफ मेल इज डायरेक्टली डिलीवर्ड टू द पर्सन कंसर्न्ड, अनओपन, बिना खोले ही उस व्यक्ति तक पहुंचा दी जाती है। इंपॉर्टेंट मेल, जो महत्वपूर्ण डाक होती है, अब यहाँ आपको ये भी समझना है कि कौन कौन सी डाक इंपॉर्टेंट होती है। कोर्ट समन, कोर्ट से कोई समन आए हैं, टेंडर्स हैं, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स एटसेट्रा, इज सॉर्टेड आउट फ्रॉम द रूटीन मेल, इनको रूटीन यानी नॉर्मल डाक से अलग कर लिया जाता है। टू अकॉर्ड प्रायोरिटी इन ओपनिंग, क्योंकि इनको पहले खोला जाता है। बहुत सारी बातें इसमें आपको सॉर्टिंग मेल में देखने को मिल रही होंगी कि एक तो डाक छांटनी है प्राइवेट, पर्सनल, सीक्रेट, फिर कौन सी महत्वपूर्ण डाक है उसको अलग करना है। तो अगर आप प्रोफेशनल बनना चाहते हैं ये सब पॉइंट्स आपने नोट करने हैं। रूटीन मेल कंसिस्टिंग ऑफ सेल्स लेटर, कैटलॉग, प्रोडक्ट, लिटरेचर एट्सेट्रा आर ओपन एट लास्ट, इनको बाद में खोला जाएगा, जो महत्वपूर्ण डाक है वो पहले खोली जाती है। ट्रेज और ओपन रैक्स विद सेपरेट कंपार्टमेंट्स आर यूजुअली अवेलेबल इन मेलिंग डिपार्टमेंट, तो डाक छाटने के लिए कौन सा यंत्र यूज़ किया जाता है, ट्रेज होती हैं, ओपन रैक्स वगैरह इस तरह से, जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाया जा रहा है कि रैक्स हैं उसमें डाक छाट ली जाती है, तो मेलिंग विभाग में, डाक विभाग में इस तरह के रैक्स बने होते हैं। इन विच सेग्रीगेटेड मेल इज केप्ट वाइल सॉर्टिंग, और जो डाक छाट छाट कर इनमें रख दी जाती है। तो एकदम क्लियर हो गया सॉर्टिंग मेल। ट्रेज और रैक्स यूज फॉर सॉर्टिंग मेल हैव द नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, और इन रैक्स पर या ट्रेज पर डिपार्टमेंट का नाम लिखा होता है। जैसा कि हम समझते हैं कि हमारे स्कूल में है, स्कूल में है अगर कोई डाक गेम्स से रिलेटेड है या कॉमर्स डिपार्टमेंट की है या वोकेशनल डिपार्टमेंट की है या साइंस से संबंधित, तो अलग अलग ट्रे बना के उसको छांट कर रख लिया जाता है। इसी तरह ऑफिस में किया जाता है, और अगर आप स्कूल के स्टूडेंट हैं तो स्कूल वाला एग्जाम्पल आपको ईजिली याद रहेगा। नेक्स्ट ओपनिंग मेल, डाक को अब खोलना है, खोलने का भी एक प्रोसीजर होता है, किस तरह से खोली जाती है। ए पेपर नाइफ इज़ जनरली यूज फॉर ओपनिंग एनवलप, इसके लिए हम पेपर नाइफ का यूज़ करते हैं। इन केस ऑफ लार्ज मेल, अगर डाक ज़्यादा है तो एनवलप ओपनिंग मशीन, उसके लिए हम लेटर ओपनिंग मशीन यूज़ कर सकते हैं। तो लेटर ओपनिंग मशीन यूज़ करेंगे या पेपर नाइफ, नीचे देखते हैं आपके लिए एक पिक्चर भी है। और किन किन बातों को ध्यान में रखना है, आपने क्या करना है, इस वीडियो में दिए गए कंटेंट को आपने नोट करना है अपनी नोटबुक में, और इंग्लिश वाला वर्जन या हिंदी वाला वर्जन कोई भी आप नोट कर सकते हैं। अब इसमें एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि लेटर को ओपन करते समय कौन कौन सी बातें ध्यान में रखी जानी चाहिए, और ये एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न आपसे स्टेप्स के अलावा अलग से भी पूछा जा सकता है। तो वो कौन कौन सी बातें हैं मैं आपको जो बता रहा हूँ, इस ये पिक्चर में देखें किस तरह से हम लेटर ओपन कर रहे हैं। आपके पास बहुत सारे लेटर आए हैं और उनको आपने कैसे ओपन करना है, तो ओपन करने का तरीका, ये लेटर्स आ गए, ये किस तरह से पेपर कटर से हम इसको ओपन कर रहे हैं। कंटेंट ऑफ द एनवेलप आर नॉट डैमेज, आपने क्या ध्यान रखना है कि लेटर का कंटेंट, जो अंदर मैटर है, वो डैमेज नहीं होना चाहिए, यानी लेटर कटना नहीं चाहिए। बिफोर डिस्पोजिंग ऑफ द एनवेलप नथिंग इज लेफ्ट इनसाइड, जब आप एनवेलप खोलेंगे तो ये चेक कर लेंगे कि एनवेलप में कुछ सामान या कुछ पत्र रह तो नहीं गए। लेटर के साथ कई बार कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हो सकता है वो बीच में रह जाए, ये भी आपने ध्यान रखना है। Enclosures are fastened if they are not properly tagged, अगर
पत्र के साथ कुछ एनक्लोजर हैं वो उसके साथ टैग कर देने हैं अगर ठीक से टैग नहीं हुए। समटाइम इट इज़ नेसेसरी टू प्रिजर्व द एनवेलप रिसीव्ड अलॉन्ग विद द मेल। कभी कभी ऐसा होता है कि जो लिफाफा एनवेलप आया है उसको भी साथ में ही अटैच करना होता है। इन सच केसेस द सेम इज अटैच्ड अलॉन्ग विद द लेटर। अगर आपके यहाँ संस्था में इस तरह किया जाता तो आप उसको लेटर को अटैच कर देंगे और इस तरह से लेटर खोलना है ताकि अंदर का मैटर कट ना जाए और उसको एक तरफ मैटर को कर लेना है। नेक्स्ट है एग्जामिनिंग कंटेंट, जो फोर्थ स्टेप है, आपने कंटेंट को एग्जामिन करना है कि अंदर मैटर जो है लेटर के अंदर क्या मैटर लिखा है। एंड स्टैंपिंग मेल, और डाक जो आई है उसके ऊपर स्टैंप लगानी है, अपनी संस्था की एक मोहर लगा दी जाती है। तो कैसे कंटेंट को एग्जामिन करेंगे, आफ्टर ओपनिंग द मेल, डाक खोलने के बाद सेक्रेटरी शुड ब्रीफली एग्जामिन इट्स कंटेंट, एग्जामिन करेंगे कि ये किस बारे में डाक आई है। समटाइम देर आर सर्टेन लेटर्स विच रिक्वायर टाइम बाउंड रिप्लाई, कुछ पत्र ऐसे आते हैं जिनको टाइम बाउंड होता है कि समयबद्ध उसकी रिप्लाई देनी है और उनको हम अर्जेंट बेसिस पर डील करेंगे। एग्जामिनिंग ऑफ कंटेंट ऑफ मेल ऑल्सो हेल्प टू नो इफ एनी ऑफ द एनक्लोजर ऑफ द लेटर रिसीव्ड आर मिसिंग, उससे ये भी पता लग जाएगा कि लेटर के साथ कुछ जो है हमारे इसके साथ दस्तावेज एनक्लोज किए थे लेकिन वो मिस हैं। तो ऐसे केस में हम क्या तुरंत रिप्लाई करेंगे कि आपने इसमें लिखा है लेकिन वो कंटेंट हमारे को नहीं मिला, वो जो है डॉक्यूमेंट नहीं मिला। इन सच केसेस द फैक्ट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द लेटर, और वो हम लेटर के साथ लिख देंगे कि इसमें जो लिखा है वो हमें रिसीव नहीं हुआ। ऑल द मेल रिसीव्ड इज डेट स्टैम्प, अब उसके बाद क्या हुआ, डेट स्टैम्प तिथि मोहर लगा दी जाएगी जो भी मेल आई, यानी अपनी संस्था में की वो डाक रिकॉग्नाइज हो जाएगी कि हाँ हमारी संस्था में आई, उसमें डेट होगी और डाक का नंबर भी छप जाएगा अपनी संस्था का नाम। और डेट स्टैम्प होती कैसे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, उस डेट वाली स्टैम्प में क्या क्या लिखा होगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं संस्था का नाम होगा और डेट किस तारीख को आई है, टाइम, ये ऑटोमेटिक जो स्टैम्प होती है डेट और टाइम उसमें ऑलरेडी आ जाता है और नंबर भी आ जाते हैं, सिग्नेचर आप कर सकते हैं इसमें। तो इस तरह की एक मोहर बनवा ली जाती है, गोल मोहर या आप इसी तरह से स्क्वायर में बनवा सकते हैं। तो ये मोहर आप संस्था के जो भी एनवेलप्स जो भी डाक आई है उस पर लगा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है रिकॉर्डिंग मेल, डाक का रिकॉर्ड रखना ये भी ज़रूरी है। अब रिकॉर्डिंग मेल कैसे होता है ये थोड़ा सा समझने वाला है। तो डाक का रिकॉर्ड रखने के लिए हमें क्या करना होता है मैं आपको समझा देता हूँ। रिकॉर्डिंग ऑफ मेल हेल्प्स इन ट्रेसिंग आउट एनी लेटर रिसीव्ड इन द ऑफिस, उससे क्या है कभी किसी लेटर को देखना हो तो वो बाद वाली किसी बाद में हमें वो लेटर ढूंढना होता है तो ईजिली मिल जाता है। एन इनकमिंग मेल रजिस्टर इज मेंटेन्ड, इसके लिए आगम डाक रजिस्टर बनाया जाता है। और इनकमिंग मेल रजिस्टर का दूसरा नाम भी बता देते हैं, डायरी रजिस्टर या डाक रजिस्टर भी कहा जाता है। तो आपको अगर शॉर्ट में क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंट नेम ऑफ इनकमिंग मेल रजिस्टर, देन यू कैन एक्सप्लेन इट, इट इज़ कॉल्ड डायरी रजिस्टर और डाक रजिस्टर। अब मेल रजिस्टर, इनकमिंग मेल रजिस्टर में कौन कौन से कॉलम होते हैं आपको ये देखना है। तो आपने इस रजिस्टर का एक नमूना प्रैक्टिकल में आपसे बनवाया जा सकता है, अगर आप प्रैक्टिकल एग्जाम दे रहे हैं तो इस तरह से स्पेसिमेन ऑफ इनकमिंग मेल रजिस्टर, उसमें कौन कौन से कॉलम होते हैं, ऊपर संस्था का नाम है ये स्पेसिमेन हो गया और नीचे संस्था का पता हो गया, सीरियल नंबर होगा आपने कितनी डाक रिसीव की, डेट, रेफरेंस नंबर ऑफ लेटर, नेम एंड एड्रेस ऑफ सेंडर कहां से डाक आई है, क्या सब्जेक्ट किस मैटर पर डाक आई है, डिपार्टमेंट ऑफिशियल रेफर्ड आपने किसको वो डाक पहुंचा दी और उनके साइन करवा लेने हैं, डेट ऑफ रिप्लाई जब हम रिप्लाई दे देंगे दूसरे तीसरे दिन उसको जो रिप्लाई दिया जाता है। तो इस तरह के कॉलम आप अपनी संस्था का इनकमिंग मेल रजिस्टर बना लेंगे। तो बहुत ही आसान तरीके से आपको सारी चीज़ एक एक कर समझाई जा रही है। अब इसमें ये क्या है, सम कंपनीज डू नॉट कैरी आउट द प्रैक्टिस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ मेल एज इट इज़ क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग, कुछ संस्थाएं इस तरह का डाक रजिस्टर नहीं बनाती क्योंकि इसमें ज़्यादा समय लगता है, आपको पता होना चाहिए, वैसे बना लें तो रिकॉर्ड रहता है। डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ मेल, अब डिस्ट्रीब्यूटिंग जो डाक आई है उसको हम डिपार्टमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे।
फॉलो अप एक्शन, यहाँ क्या होता है, एवरी इनकमिंग मेल विच नीड्स ए फॉलो अप एक्शन शुड बी क्विकली अटेंडेड टू बाय द कंसर्न्ड ऑफिशियल, जिस अधिकारी को डाक दी गई है उसको उसका रिप्लाई या उससे जो भी एक्शन लेना है वो तुरंत करना चाहिए। और अगर एग्जाम में पूछ क्वेश्चन आता है कि कितने दिन में आंसर दे देना चाहिए आने वाली डाक का, तो 3 to 4 days में आपको आंसर दे देना चाहिए। शॉर्ट क्वेश्चन में इस तरह से पूछा जाता है। और आपने इस वीडियो को पॉज कर लेना है, सारी नोट्स जो है नोट करनी है, 7 steps हैं। आगम डाक या पेपर और फिजिकल डाक की व्यवस्था किस तरह से करनी है ये आपके सामने हिंदी में समझाया गया है, वैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो ये इसको हिंदी वाले वर्जन को भी नोट कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स इंग्लिश में ईजीली समझ सकते हैं वो इंग्लिश वाला वर्जन देख लें, जिनको हिंदी में ईजी में समझ आ जाता है वो हिंदी वाला वर्जन नोट कर लें। और वीडियो को पॉज कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, अपने फ्रेंड से शेयर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी जानकारी, और काफ़ी दिनों से स्टूडेंट्स इस जानकारी के लिए मैसेज भेज रहे थे और आज ये जानकारी आपके लिए उपलब्ध है। डाक प्राप्त करना, कैसे डाक प्राप्त कर ली जाती है मैंने आपको बता दिया। उसके बाद दूसरा स्टेप होता है डाक छांटना, छांटने में महत्वपूर्ण डाक अलग छांट ली जाती है और उसको अलग अलग ट्रे में रखा जाता है। और तीसरा स्टेप जो होता है डाक खोलना, डाक खोली जाती है, मशीन की सहायता से भी खोल सकते हैं और आप पेपर नाइफ से भी खोल सकते हैं। अगर थोड़ी डाक है तो पेपर नाइफ यूज़ करेंगे, ज़्यादा डाक होती है, बड़ी संस्था है तो आपको मशीन की सहायता से खोलनी है। और ये ध्यान रखना है कि अंदर रखा हुआ लेटर वो क्षतिग्रस्त ना हो जाए, लेटर को थोड़ा सा एक तरफ कर लिया जाता है और संलग्नक वगैरह लिफाफा वगैरह उसी के साथ पैक कर दिया जाता है। और नेक्स्ट स्टेप है नंबर 4, सामग्री की जांच करना, डाक में क्या सामग्री, किस तरह से उसमें क्या लिखा हुआ है, और डाक तिथि अंकन मोहर लगा देना। तो ये जैसा कि आपको पहले एक्सप्लेन किया है सेम वही है। और डाक तिथि अंकन मोहर कैसी होती है ये मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। फिर डाक का रिकॉर्ड रखा जाएगा, रिकॉर्ड जो है आगम डाक रजिस्टर में रखा जाता है। और डाक का रिकॉर्ड रखने में कौन कौन से कॉलम होते हैं वो आपको देखना है, किस तरह का एक नमूना आपको एग्ज़ाम में प्रैक्टिकल में ये नमूना आता है और आप इस तरह से नमूना बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से सारी जानकारी आपको एकदम स्पष्ट रूप से दी जा रही है। डाक का फिर वितरण कर देंगे और अनुवर्ती कार्यवाही जैसा कि बताया फॉलो अप एक्शन लिया जाता है। अब ये आ गया हैंडलिंग ऑफ आउटगोइंग मेल, जाने वाली डाक, अब ये तो थी आने वाली डाक, जाने वाली डाक का रिकॉर्ड कैसे रखेंगे, उसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं। आप देख रहे हैं कि लाइक इनकमिंग मेल, जैसे ही इनकमिंग मेल का हमने रिकॉर्ड रखा इसी तरह जाने वाली डाक का भी एक प्रोसीजर होता है जो हमें फॉलो करना होता है। स्पीडी डिस्पोजल ऑफ आउटवर्ड मेल, जाने वाली डाक उन संस्थाओं को जाती है जहाँ से हमें डाक आती है, हमारी तरफ से भी कुछ डाक जाती है। और डिले इन सेंडिंग मेल नॉट ओनली रिजल्ट इन लॉस ऑफ बिजनेस, अगर आप डाक देरी से भेजेंगे तो आपके बिजनेस में लॉस हो सकता है, बट ऑल्सो क्रिएट्स ए बैड इमेज, और आपकी संस्था की इमेज ख़राब हो सकती है। इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन में अगर कुछ पूछा जाता है कि आउटगोइंग मेल की हैंडलिंग जो है हम ठीक से नहीं कर पाते तो क्या हानि हो सकती है। वाइल ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ क्या होगा, क्विक रिप्लाइज ऑफ मेल शो द इम्पोर्टेंस विच हैज़ बीन अटैच टू इट, और जो है अगर आप क्विक रिप्लाई देते हैं तो आपकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। द फॉलोइंग स्टेप्स आर जनरली फॉलोड इन केस ऑफ हैंडलिंग ऑफ आउटवर्ड मेल, और आउटवर्ड मेल को हैंडल करते समय आपको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले प्रोडक्शन ऑफ मेल, डाक तैयार करना, डाक कैसे तैयार होती है, द लेटर्स विच आर सेंट आउट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जो पत्र संस्था से बाहर भेजे जाने हैं तैयार किए जाते हैं, साइन किए जाते हैं किसी ऑथोराइज पर्सन के द्वारा, जो अथोराइज यानी जो अधिकारी उसके लिए अधिकृत है। एवरी आउटगोइंग मेल शुड बियर अ रेफरेंस नंबर, और हर डाक के ऊपर एक संदर्भ संख्या दी जाती है ताकि फ्यूचर में रेफरेंस में उसका यूज़ किया जा सके। द मेल रेडी टू बी डिस्पैच इज यूजुअली कैप्ट इन आउट ट्रे, जाने वाली डाक को आउट ट्रे में रख दिया जाता है और वहाँ से फिर वो कलेक्ट करना चाहता है। नेक्स्ट जो है कलेक्शन ऑफ मेल, डाक को इकट्ठा करना, जो डाक तैयार हो जाती है तो एक अधिकारी सभी जो विभाग संस्था के वहाँ से डाक कलेक्ट करते हैं। आपके सामने इमेज भी है, अगर आप इस तरह के कोई पोस्टर बनाना चाहते हैं तो इमेज दिखा सकते हैं कि किस तरह से मेल कलेक्ट की जाती है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑल आउटगोइंग लेटर्स आर कलेक्टेड ट्वाइस ए डे, दिन में 2 बार कलेक्ट कर लिए जाते हैं किसी भी चपरासी के द्वारा। और मेलिंग डिपार्टमेंट फॉर
ऑन वायर ट्रांसमिशन, ताकि डाक को आगे भेजा जा सके। ए प्रोफेशनल सेक्रेटरी, जो प्रोफेशनल है सेक्रेटरी, शुड एंश्योर दैट द मेल इज कलेक्टेड टाइमली, समय से डाक कलेक्ट कर ली जाए ताकि उसे भेजा जा सके। इट कुड बी डिस्पैच फ्रॉम द ऑफिस विदाउट डिले, बिना किसी देरी के वो डाक आगे भेजी जा सके। इट इज़ ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ द प्रोफेशनल सेक्रेटरी टू मेंशन द प्रेफर्ड मोड ऑफ डिस्पैच। अब ये सेक्रेटरी की ड्यूटी होती है कि वो डाक किस तरह से भेजी जाएगी, डाक भेजने का, जैसे कि हमने बताया है कि डाक आती है इसी तरह डाक जाती भी है, तो उसका किस मोड से जानी है। द मेलिंग डिपार्टमेंट और डिस्पैच सेक्शन डिलीवर्स द मेल अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन टू द मेल, तो जैसे भी निर्देश मिलते हैं उस तरह से डाक को आगे रवाना करना होता है। अब उस रवाना करने से पहले ये जो आपके सामने आ रहा है रिकॉर्डिंग मेल, जैसे आने वाली डाक का रिकॉर्ड रखा जाता है इसी तरह जाने वाली डाक का भी रिकॉर्ड रखा जाता है, और उसके लिए एक रजिस्टर बनाया जाता है जिसका नाम मैं आपको बता देता हूँ, अक्सर पूछा जाता है आउटगोइंग मेल रजिस्टर यानी निर्गम डाक पुस्तिका, या दूसरा नाम है डिस्पैच रजिस्टर। तो दोनों नाम आपके सामने हैं। अब इसमें कौन कौन से कॉलम है, ऊपर संस्था का नाम है, फुल एड्रेस, पूरा एड्रेस है, और नीचे आप देख रहे हैं कॉलम बने हुए हैं, कौन कौन से कॉलम हैं मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सीरियल नंबर या डिस्पैच नंबर, डेट, रेफरेंस नंबर, संदर्भ संख्या, नेम एंड एड्रेस ऑफ रिसीवर, जिसको डाक जा रही है उसका नाम और पता, सब्जेक्ट, किस विषय पर डाक है, मोड ऑफ डिलीवरी यानी आप पंजीकृत करवा के डाक भेज रहे हैं या आपकी डाक कुरियर से जा रही है या साधारण डाक है, किस तरह से, और कितने रुपए पैसे की आपको टिकट, उसमें क्या खर्चा आ रहा है, और रिमार्क्स, अगर कोई अदर कॉलम, अगर कोई विशेष बात है वो आप रिमार्क्स वाले कॉलम में लिख देंगे। तो इस तरह से निर्गम डाक रजिस्टर यानी आउटगोइंग मेल पुस्तिका तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोकल डाक होती है जो आसपास ही संस्थाओं में भेजी जाती है, तो उसके लिए स्पेशल मैसेंजर यानी पीएन बुक चपरासी के द्वारा भिजवाई जा सकती है। और वो पीएन बुक में कौन कौन से कॉलम होते हैं, अगर एग्ज़ाम में ये प्रश्न आता है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में अक्सर विद्यार्थी से पूछ लिया जाता है कि पीएन बुक का एक स्पेसिमेन बना के दिखाओ, तो आप कैसे बनाएंगे। नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, संस्था का नाम है पर्ल इंडिया लिमिटेड, कुछ भी आप इमेजिनरी नाम दे सकते हैं अगर आपको प्रश्न में नाम दिया है तो आप इस तरह से, और उसका पूरा पता। सीरियल नंबर, जो डाक का नंबर होगा, रेफरेंस नंबर, डाक की संदर्भ संख्या, नेम एंड एड्रेस ऑफ रिसीवर, जिसको डाक देनी है उनका एड्रेस और नाम, ब्रीफ सब्जेक्ट, शॉर्ट में सब्जेक्ट लिखना है, और बाय हुम, डाक कौन ले जा रहा है, क्योंकि संस्था का आदमी ले जा रहा है तो कौन लेकर जाएगा, और वहाँ से सिग्नेचर, टाइम, डेट और साइन करवा के ले आएंगे। तो ये हो गया पीएन बुक का एक स्पेसिमेन, ये नीचे ब्लैंक कॉलम है, इसमें हम डिटेल लिख लेते हैं। अब है राइटिंग ऑफ एड्रेस, जब लिफाफों पर एड्रेस कैसे लिखा जाता है, आपके सामने एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, और एड्रेस कैसे लिखते हैं मैं आपको समझा देता हूँ। इफ़ द मेल इज़ टू बी सेंट इन एन एनवेलप, द सेम शुड बी सिलेक्टेड, आपने लिफाफा देखना है, छोटा लिफाफा है, बड़ा लिफाफा है, डाक कैसी है, तो साइज़ को ध्यान में रखना होता है, उसी के अकॉर्डिंग साइज, अकॉर्डिंग टू द साइज एंड पेपर टू बी इंसर्टेड, कितनी ज़्यादा डाक है, कम डाक है, उसी के अकॉर्डिंग हम एनवेलप चूज़ करते हैं। वाइल राइटिंग एड्रेस ऑन द एनवेलप, इट शुड बी एंश्योर्ड दैट द एड्रेस शुड बी रिटन पैरेलल, एक लाइन के नीचे दूसरी लाइन आती रहे, टू द लेंथ ऑफ द कवर एंड इन द लोअर हाफ एंड टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड, दस लिविंग एडिक्वेट मार्जिन एट द टॉप, ऊपर थोड़ा सा मार्जिन छोड़ना है पोस्टेज स्टैम्प के लिए या कुछ इंस्ट्रक्शन लिखने के लिए, पोस्ट मार्क जिसे कहते हैं, ये रजिस्टर डाक है, एडी है, किसी भी तरह की डाक है, ऊपर डाकघर के लिए इंस्ट्रक्शन लिखी जाती है यहाँ इस जगह पर। राइटिंग ऑफ करेक्ट लेजिबल एंड कंप्लीट एड्रेस, आपने कंप्लीट एड्रेस लिखना है, रिसीवर का नाम जो इसको डाक भेजी जा रही है, और इस तरह से जो एड्रेस आपके सामने है वो सब आपने लिखना है। द एड्रेस पोस्ट टाउन शुड बी रिटन इन ब्लॉक लेटर, और जहाँ आप डाक भेज रहे हैं पोस्ट टाउन, वो जो है आपने ब्लॉक लेटर में लिखना है, बड़े शब्दों में लिखना है, विद कंप्लीट स्पेलिंग, स्पेलिंग ठीक होने चाहिए, एब्रीवेशन नहीं लिखनी, अक्सर हम कई जगह एब्रीवेशन यूज़ करते हैं, तो वो आपने नहीं लिखनी, आपकी डाक नहीं पहुँच पाएगी। अलॉन्ग विद द पिन कोड नंबर, पिन कोड नंबर भी, जो पोस्टल कोड है वो भी आपने लिखना है, ताकि ईजिली डाक पहुँच जाए। इन केस ऑफ एड्रेसिंग अ लार्ज मेल, अगर ज़्यादा डाक है
इसके लिए हम पता लिखने की मशीन यानी एड्रेसिंग मशीन यूज़ कर सकते हैं, जो इजीली एड्रेस लिख देती है और स्पष्ट एड्रेस लिखा जाता है। तो ये था मेल पर लिफाफों पर एड्रेस लिखना। अब उसके बाद क्या है, फोल्डिंग लेटर्स एंड इंसर्टिंग देम इनटू एनवेलप। लेटर को तह करने का भी एक तरीका होता है, शायद आपने ये पहले ना देखा हो। तो लेटर किस तरह से तह किया जाता है, खासकर विंडो एनवेलप के लिए। विंडो एनवेलप में एड्रेस जो है विंडो में से जो है बाहर दिखता रहता है, तो विंडो एनवेलप के लिए आपको लिफाफा अच्छे से तय करना है ताकि एड्रेस बाहर से दिखता रहे। लेटर्स इंटेंडेड टू बी inserted into envelopes should be folded in such a manner that it has minimum number of fold। बहुत ज़्यादा fold नहीं करने, कम से कम fold हो और लिफाफे में easily आ जाए और envelope के size के according हो। letters are and enclosure must be folded together। पत्र और जो enclosure हैं साथ साथ ही fold करने चाहिए। folding and inserting machine can be used। इसके लिए भी हम अगर ज़्यादा letter हैं तो folding inserting machine use कर सकते हैं। next है sealing of envelope। envelope को बंद करना, बंद करना यानी सील लगाना। कैसे बंद किया जा रहा है ये आपके सामने एक एग्जांपल इमेज दिखाई दी है किस तरह से हम लिफाफे बंद कर देते हैं। और इसके लिए भी एक मशीन भी आती है जिसको हम लिफाफे बंद कर सकते हैं। लेकिन कुछ जो है envelopes बंद नहीं किए जाते, कौन कौन से, बुक पोस्ट, जो बुक पोस्ट होती है वो बिना बंद किए ही भेजी जा सकती है। कंसिस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट लिटरेचर, जिसमें कुछ प्रोडक्ट से संबंधित साहित्य होता है, कैटलॉग होते हैं, प्राइस लिस्ट होती है, इनको हम बिना बंद किए भी भेज सकते हैं। नेक्स्ट है अफिक्स स्टैम्प ऑन एनवेलप। एनवेलप पर डाक टिकट लगाना। अब ये डाक टिकट लगाना जो है ये काम कैसे करना है, ऑन द आउटगोइंग मेल टू बी सेंड थ्रू पोस्ट ऑफिस। जो डाक डाकघर से भेजी जाती है उस पर हमें डाक टिकट लगानी होती है, विभिन्न मूल्यों की टिकट लगाई जाती है। और इसके लिए हमें क्या ध्यान रखना है, जो डाक टिकट है वो वजन के अनुसार लगानी है। अगर आपका लेटर 10 ग्राम का है तो अलग वजन की, अलग मूल्य की टिकट लगेगी। अगर 10 से ज़्यादा है तो डाकघर से आपको रेट लिस्ट पता करनी होगी कि कितने पैसे की टिकट कितने ग्राम पर लगाई जाती है। तो ये भी एग्ज़ाम में प्रश्न आ जाता है कि करेक्ट अमाउंट ऑफ पोस्टेज स्टैम्प कैसे पता लगेगी, वो वज़न के अनुसार। ओवर स्टैम्पिंग एंड अंडर स्टैम्पिंग आर टू बी अवॉइडेड। ना ज़्यादा डाक टिकट लगाएं और ना कम पैसों की टिकट लगाएं, ये अच्छा नहीं होगा। फ्रैंकिंग मशीन आर कॉमनली यूज। अगर ज़्यादा डाक है तो आप डाक टिकट लगाने के लिए टिकट अंकन मशीन, जिसका नाम फ्रैंकिंग मशीन है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट है पोस्टिंग मेल। अब टिकट लगा ली, लिफाफों में पत्र इंसर्ट कर दिए, अब डाक को रवाना करना। पोस्टिंग ऑफ मेल, रवाना करने के लिए क्या होता है, पोस्टिंग ऑफ मेल इज़ द लास्ट स्टेप। ये आखिरी स्टेप है इन द प्रोसीजर ऑफ हैंडलिंग आउटगोइंग मेल। अब डाक रवाना करनी है और जो स्थानीय डाक है वो हमारा चपरासी पीएन बुक लेकर दे आएगा और बाकी डाक जो है पोस्ट ऑफिस में दे दी जाएगी। और पोस्ट ऑफिस में जो डाक होती है रजिस्टर्ड होती है, स्पीड पोस्ट होती है, इंश्योर्ड मेल होती है, इस तरह के ये काउंटर पर देनी होती है, बाकी हम जो है लेटर बॉक्स में मेल भेज सकते हैं। लोकल मेल है वो आपको बताया कि स्पेशल मैसेंजर के थ्रू भेजी जाती है, आजकल कोरियर कंपनीज के थ्रू भी मेल भिजवा सकते हैं। तो ये सारा प्रोसीजर आपको फॉलो करना होता है अगर आप आउटवर्ड मेल को हैंडल करते हैं। ऑफिस में आपको आउटवर्ड इनवर्ड कोई भी मेल हैंडल करने में आपकी ड्यूटी डाक विभाग में है, तो आप इस तरह से काम कर सकते हैं। तो ये हिंदी वर्जन, अगर आपको निर्गम डाक की हैंडलिंग करनी है तो किस तरह से आपको आउटवर्ड मेल को, डाक को निपटाना है, उसका निपटान जैसे ही इनवर्ड मेल है इसी तरह आउटवर्ड मेल का भी निपटान करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डाक को तैयार करना, जैसे कि पहले बताया, सबसे पहले डाक को टाइप करना, तैयार करना, हस्ताक्षर करवाना, ये सब काम होते हैं। फिर डाक को इकट्ठा करना यानी संग्रह करना, संस्था के विभिन्न विभागों से एक व्यक्ति डाक को इकट्ठा कर लेगा और उसको फिर भेजने की कार्रवाई की जाती है। सबसे पहले भेजने से पहले उसको रिकॉर्ड करना है, मेल की रिकॉर्डिंग करनी है और उसके लिए आउटगोइंग डाक रजिस्टर यानी निर्गम डाक पुस्तिका बनाई जाएगी। और ये आपके कॉलम हो गए किस तरह से आपने आउटगोइंग मेल रजिस्टर बनाना है, निर्गम डाक पुस्तिका। स्थानीय डाक जो है वो संदेश वाहक द्वारा भेजी जा सकती है, उसके लिए चपरासी की किताब पीएन बुक में आप एंटर करेंगे, डाक का रिकॉर्ड एंटर हो जाएगा। ये पीएन बुक इस तरह से होती है, कौन कौन से कॉलम बनाए जाते हैं आपके सामने हैं।
और उसके बाद एंट्री करने के बाद पतों का लेखन, लिफाफों पर पता लिखना, और पता किस तरह से लिखा जाता है आपको मैं एग्जांपल भी बता दिया, और उसमें लिफाफे के कवर की लंबाई के अनुसार समान अंतर पता लिखना है, और उसमें पिन कोड नंबर भी लिखना है, और पूरा पता ध्यान से लिखना है। और इसके लिए आप पता लिखते समय सब चीज़ ध्यान रखेंगे, और पूरी वर्तनी लिखनी है, शॉर्ट में नहीं लिखना है पता, और जो पोस्ट टाउन है वो कैपिटल में लिखना होता है। और इसके लिए हम एड्रेसिंग मशीन भी यूज़ कर सकते हैं जो आउटगोइंग डाक पर पते को सही से लिख देती है। पत्रों को मोड़ना फिर लिफाफों में डालना, इस काम के लिए मशीन भी यूज़ कर सकते हैं, और हाथ से भी, थोड़े पत्र हैं तो हाथ से उसको पत्रों को तह कर सकते हैं, और इस तरह से तह करनी है कि ज़्यादा सिलवटें, ज़्यादा उसमें तह ना बनाई जाएँ। लिफाफों को सील करना यानी बंद करना, उस पर गोंद वगैरह लगाकर या सेलो टेप भी लगा सकते हैं और बंद किया जा सकता है ताकि वो सुरक्षित रहें। लिफाफों पर स्टैंप लगाना यानी डाक टिकट लगाना, अगर आप डाकघर से भेज रहे हैं तो डाक टिकट लगाएंगे, कोरियर से भेज रहे हैं तो आपको टिकट लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, और टिकट लगाने के लिए आपको डाक टिकट अंकन मशीन यूज़ करनी होती है जहाँ ज़्यादा डाक होती है, फिर डाक को रवाना कर देना। तो ये सारे कार्य आपने करने हैं, और आपने इस वीडियो को पॉज करना है, डाउनलोड करना है, ये सारे चीज़ नोट कर लेनी है, और एग्ज़ाम में इसी संबंधित जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी, लॉन्ग से तो शॉर्ट बन जाता है, शॉर्ट से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बन पाता। अब पोस्टल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पोस्टल इंडेक्स नंबर, यानी पिन कोड नंबर क्या होता है, अक्सर ये भी पूछ लिया जाता है। तो पोस्टल इंडेक्स नंबर यानी डाकघर द्वारा पूरे देश को विभिन्न क्षेत्रों में बांटा है और उसके लिए एक नंबर कोड दिया गया है। इट इज़ अ कोड इन द पोस्ट ऑफिस नंबरिंग यूज्ड बाय इंडिया पोस्ट। इट इज़ द यूनिक 6-डिजिट नंबर, 6 नंबर होते हैं, और आपके इलाके का भी पोस्ट कोड नंबर होता है जैसा कि आपको पता ही होगा। देर आर 9 पिन जोन्स, पूरे देश को 9 जोन में बांटा गया है, इंक्लूडिंग 8 रीजनल जोन, 8 जो है रीजनल जोन है, और एक जोन जो है इंडियन आर्मी के लिए है। द फर्स्ट डिजिट ऑफ पिन कोड इंडिकेट्स द रीजन, जो पहला डिजिट है वो रीजन को इंडिकेट करता है, सेकंड डिजिट जो है सब रीजन को इंडिकेट करता है, थर्ड डिजिट जो है वो सॉर्टिंग डिस्ट्रिक्ट को इंडिकेट करता है, फोर्थ डिजिट जो है रिप्रेजेंट करता है रूट, किस रूट से डाक डिलीवर होगी, और इसी तरह से द लास्ट टू डिजिट, जो लास्ट के 2 डिजिट हैं वो डिलीवरी ऑफिस यानी उस पोस्ट ऑफिस को इंगित करते हैं। तो इस तरह से डाकघर वालों ने एक पिन कोड नंबर बनाया है ताकि डाक को स्पीडली भेजा जा सके। वो पिन कोड देखकर समझ जाते हैं कि ये डाक किस इलाके की कहाँ भेजी जानी है, तो डाकघर वालों के लिए काम आसान हो जाता है। तो आपने पिन कोड नंबर, अगर आप शीघ्र डाक पहुँचाना चाहते हैं तो पिन कोड नंबर ज़रूर लिखें। पोस्टल इंडेक्स नंबर कोड क्या होता है, आपको जैसा कि मैंने बताया, सॉर्टिंग में डाकघर वालों को आसानी रहती है, और पिन कोड देख के जल्दी से डाक आपकी पहुंचाई जा सकती है। अब आपने क्या करना है, गिव द एग्जांपल ऑफ 6 पिन कोड विद एरिया नेम, आप अपने इलाके के आसपास के 6 पिन कोड नंबर अपनी डायरी में नोट करें, जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया है। इस तरह से आप अपने इलाके के नोट करेंगे, जैसे यमुना विहार पिन कोड नंबर है, शाहदरा, करोल बाग, कृष्ण नगर, रोहिणी, दरियागंज, इन सब के पिन कोड नंबर आपके सामने हैं। तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाली है जिन स्टूडेंट्स के पास स्किल सब्जेक्ट्स है उनके लिए। और मुझे उम्मीद है कि आप कमेंट बॉक्स में, वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे आने वाले और अच्छे अच्छे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।